राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज भोजन की गारंटी अध्यादेश पर दस्तखत कर दिया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब यह अध्यादेश भोजन की गारंटी कानून बन गया। भोजन की गारंटी कानून लागू होने के बाद अब देश की 80 करोड़ जनता को सस्ता अनाज सरकार मुहैया कराएगी। आज से लागू हुए भोजन की गारंटी कानून से देश के 67% जनता को फायदा मिलेगा, 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को फायदा होगा। सरकार प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज हर महीने देगी। 3 रुपए किलो के भाव से चावल मिलेगा, 2 रुपए किलो के भाव से गेहूं और 1 रुपए किलो के भाव से मोटा अनाज दिया जाएगा। 3 साल के बाद सब्सिडी की समीक्षा की जाएगी। यूपीए 2 की सबसे महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही लागू तो हो गई, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती मानसून सत्र में इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना है। फूड सिक्योरिटी बिल को संसद के बजाय अध्यादेश के जरिए लागू करने के सरकार के फैसले का आज कांग्रेस ने बचाव किया। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि देश में कुपोषण की स्थिति के चलते सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। सरकार की पीठ थपथपाते हुए अजय माकन ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में यह सरकार का बड़ा कदम है। ये न केवल आजाद भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा का अधिकार का कानून का ऑर्डिनेंस भारत सरकार की कैबिनेट ने परसों पास किया है। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के बचाव में माकन ने कहा कि इससे देश में कुपोषण मिटेगा और इससे सरकार के खजाने पर कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा। इससे गरीबों को भोजन की गारंटी मिलेगी। इसका भार जो है कुल 1,24,723 करोड़ नहीं होगा, इसका भार मात्र 23,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार इसके ऊपर पड़े। कांग्रेस के दावों पर विपक्ष ने तीखा हमला किया है। अजय माकन तो अब न्यूली अपॉइंटेड है, तो इसलिए उनको तो उनका तो काम है, इसके अलावा तो वो क्या करेंगे। तो 4 साल का जवाब कौन देगा? मैं तो समझती हूँ ये एक अपराध है। बिल तो ऐसा होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों को ठीक तरीके से इंश्योर कर सके कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सके। विधेयक को अध्यादेश के जरिए लाने के कारण अब सदन में इस प्रस्ताव के संशोधनों पर विचार नहीं किया जा सकेगा। सदन को या तो इस प्रस्ताव को पास करना पड़ेगा या खारिज। फूड सिक्योरिटी बिल को समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने किसान विरोधी करार दिया है। आज मुलायम सिंह ने कहा कि लोकसभा में इस बिल पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव भोजन की गारंटी बिल को लेकर बेहद नाराज हैं। मुलायम ने आज कहा कि इस विधेयक से किसानों को नुकसान होगा। विधेयक लागू होने के बाद सरकार किसानों से जबरन अनाज ले लेगी और उसके बाद किसान कहां जाएंगे। लखनऊ में आज संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए मुलायम सिंह ने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बयान पर मुलायम सिंह ने कहा कि बेनी के बयान से उन्हें कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस के सामने उनकी खुद ही पहले ऐसी हो गई, जो खुद ही कह रहा है कि मैं मुझे रोका जाएगा, डांटा जाएगा, खूब डांट पड़ी है। तो हम क्यों कहें, हमें जरूरत नहीं, हमें कौन सा नुकसान हो रहा है। अपने बयान में मुलायम सिंह यादव ने फूड सिक्योरिटी बिल का विरोध जरूर किया, लेकिन ये साफ नहीं किया कि संसद में इस बिल पर उनका रुख क्या होगा। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री राघव जी को आज एक अश्लील सीढ़ी के सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। शिवराज कैबिनेट में पिछले 10 साल से वित्त मंत्री के पद पर काबिज राघव जी पर उनके नौकर ने लगाए हैं संगीन इल्जाम। वित्त मंत्री राघव जी पर उनके नौकर ने बुरा बर्ताव करने के साथ गलत काम करने का आरोप लगाया है। इन आरोपों के बाद राघव जी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद राघव जी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मैंने तुरंत फैक्स से वो तैयार पत्र भिजवा दिया है। उन्होंने कहा बाद में मैं लौट कर आपसे बात करूंगा। बहुत कई साल से बहुत गंभीर आरोप लगाए आपने सोडोमी के। मुझे नहीं मालूम गलत है अगर ऐसा लगाया तो। हबीबगंज थाने में यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत कराने के बाद से नौकर गायब है। राघव जी का कहना है कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई है। राघव जी के समर्थन में उनकी पत्नी भी आ गई है। वो है, हो गया तो सही, इसके पीछे कुछ नहीं। अब देखो ये पद भी ऐसा है, किसी का काम नहीं होता है तो लगता ही है। इस मसले पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी शिवराज सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जैसे साधारण लोगों पर केस चलता है उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इन्हें भी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। वित्त मंत्री राघव जी के इस्तीफे के बाद अब अश्लील सीढ़ी पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी को डर है कि 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष कहीं सीढ़ी को ही मुद्दा ना बना दे।
जहां पर्ची इनकाउंटर केस के सिलसिले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की। दिग्विजय सिंह ने गृहमंत्री से मांग की कि आतंकी हेडली से पूछताछ की गई रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने इशरत जहां से जुड़ी उन बातों को सार्वजनिक करने के लिए गृह मंत्री से मांग की है जो एनआईए ने अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली से हासिल की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इशरत के आतंकी कनेक्शन को लेकर तरह तरह की अफवाह फैलाई जा रही है, लिहाजा सरकार इस बात को सार्वजनिक करे कि आतंकी हेडली ने एनआईए को इशरत के बारे में क्या क्या जानकारियां दी है। एनआईए कुछ कह रहा है, आईबी कुछ कह रहा है, सीबीआई कुछ कह रहा है, जब तीनों एजेंसी गवर्नमेंट की हैं इसके बारे में क्लैरिटी होना चाहिए और इसमें विश्वसनीयता, सरकार की विश्वसनीयता और एजेंसीज की विश्वसनीयता अभी कसौटी पर है। वहीं आज इस मसले पर सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा कि इशरत जहां केस की हर एंगल से जांच की जा रही है। The case is under investigation and at this stage I cannot divulge the details. दिग्विजय सिंह के मांग पर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि वो संबंधित एजेंसी से बातचीत करने के बाद ही वो इशरत जहां मामले पर कोई भी बयान देंगे। रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है करारा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिशा निर्देश जारी कर दिया है जिसके मुताबिक एक तय सीमा के भीतर सरकारी बंगला खाली करना होगा। रिटायर होने के बावजूद सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए रखने वाले जजों, सांसदों, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति पी सत्यशिवम की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि सरकारी बंगले में रहने वाली व्यक्ति के रिटायरमेंट से 3 महीने पहले उन्हें खाली करने का नोटिस दें। बंगला खाली कराने के लिए समय 30 दिन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी कारण बताना होगा। बंगला खाली न करने पर लैंड रेवेन्यू के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई सांसद बंगला खाली नहीं करता तो अथॉरिटी स्पीकर को सूचित करेगी। सांसद के खिलाफ संसदीय समिति जरूरी कार्रवाई करेगी। जजों को बंगला खाली करने के लिए रिटायरमेंट के बाद 1 महीने की मोहलत दी जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में ही इसे 1 महीना और बढ़ाया जा सकता है। सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के 15 दिन के भीतर ऐसा करना होगा। इसी के साथ कोर्ट ने सरकारी आवासों पर स्मारक बनाने पर भी एतराज जताया। कोर्ट ने स्मारक बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट को यह दिशा निर्देश इसलिए जारी करना पड़ा कि सरकारी बंगलों में रहने वाले लोग किसी न किसी बहाने सरकारी बंगला खाली करने से इनकार कर रहे हैं। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में आरएसएस के दखल की मुखालफत करने वाले लालकृष्ण आडवाणी आज खुद आरएसएस के शरण में पहुंच गए। आडवाणी ने आज नागपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आज दिल्ली से सुबह नागपुर पहुंचे और सीधा आरएसएस मुख्यालय गए। यहां पर उन्होंने संघ के नेताओं से मुलाकात की। आडवाणी का दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है कि पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हिस्सा लेने के लिए 1 दिन बाद उन्होंने आरएसएस नेतृत्व से मुलाकात की है। मेरी राजनीतिक प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, तो मेरा वैचारिक परिवार 14 वर्ष की आयु से संघ परिवार रहा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने कल भागवत और भैया जी जोशी से मुलाकात की थी, जबकि बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह संघ नेताओं से शनिवार को मुलाकात करेंगे। मोदी मुद्दे पर इस्तीफा प्रकरण के बाद यह पहला मौका है जब आडवाणी आरएसएस मुख्यालय पहुंच रहे हैं। ऐसे में आरएसएस चीफ मोहन भागवत से हुई उनकी मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मुंबई की वर्सोवा में 2006 में हुए लखन भैया फर्जी इनकाउंटर केस में आज मुंबई की सेशन कोर्ट ने 13 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया। वही इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप सूर्यवंशी समेत 13 पुलिस वालों को दोषी करार दिया है। इस केस में 22 पुलिस वाले आरोपी थे। अदालत के फैसले की खास बात यह है कि उस केस में आरोपी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को कोर्ट ने बरी कर दिया। गौरतलब है कि 11 नवंबर 2006 को छोटा राजन गैंग के लखन भैया को मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। लखन भैया रियल स्टेट का बिजनेस करता था। लखन भैया के घर वालों ने कोर्ट में गुहार लगाई थी कि उसे फर्जी एनकाउंटर में पुलिस ने मारा है। अदालत के आदेश पर एनकाउंटर केस की जांच एसआईटी को दी गई थी। एसआईटी ने जांच में पाया कि वर्सोवा में हुए लखन भैया का एनकाउंटर फर्जी था। इस केस में मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा समेत 22 पुलिस वालों को आरोपी बनाया था। पुलिस के मुताबिक लखन भैया पर गोली प्रदीप शर्मा की पिस्तौल से चलाई गई थी। नंबर वन प्रदीप शर्मा को छोड़ दिया गया है, बाकी तीनों को हत्या के चार्ज में दोषी से पकड़ा गया है। वैसे शर्मा के खिलाफ मेन सबूत यही था कि जो डिसीज के सर में जो गोली एक मिली हुई थी वो प्रदीप शर्मा के रिवॉल्वर से चलाई हुई थी। अब वो किस अकाउंट पे छोड़ा है वो तो हम जजमेंट देखने के बाद ही बता पाएंगे। कोर्ट के इस फैसले से इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने राहत की सांस ली। वहीं लखन भैया के परिवार वालों का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। आखिरकार झारखंड को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच सहमति बन ही गई।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिव सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन ने आज बताया कि अगला लोकसभा चुनाव कांग्रेस और जेएमएम मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस और जेएमएम के बीच हुई डील के मुताबिक अगला लोकसभा चुनाव दोनों मिलकर लड़ेंगे। लोकसभा के लिए बने फार्मूले के मुताबिक लोकसभा की कुल 14 सीटों पर कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जेएमएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमने उस समय भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने की मांग की थी, आज भी हमारी वही मांग है और आने वाला समय भी इस डेमोक्रेसी का जो डिमांड है उसी के पक्षधर में हम रहे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और जेएमएम में अंदरखाने इस बात की डील हुई है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में कांग्रेस सरकार बनवाने में मदद करेगी और इसके बदले हेमंत सोरेन लोकसभा में कांग्रेस को सीट जिताने में मदद करेंगे। चुनाव से पहले जेएमएम से डील को कांग्रेस नेता बड़ी कामयाबी मान रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस में जेएमएम के दोबारा गठबंधन के बाद कांग्रेस की झारखंड में कितनी सीटें बढ़ती हैं। झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सरकार बनना लगभग तय है। हमारे साथ हेमंत सोरेन है, जो कि हेमंत सोरेन आप अगले मुख्यमंत्री झारखंड के होंगे, ये बिल्कुल तय हो गया। अब ये सभी चीजें जब तक सभी पायदान पर नहीं पहुंचा जाए अभी इसको थोड़े दिन रहने दीजिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कांग्रेस के मन में कुछ संशय है क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को? संशय की बात है, किसके मन में क्या है ये तो पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये स्पष्ट है जो हमें आश्वासन मिला है कि सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस का समर्थन रहेगा। आप कब राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे? आपने सुना भी होगा कि आरजेडी के तरफ से भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी अपनी घोषणाएं की है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन करेंगे। अब ऐसे ही धीरे धीरे आगे चल के बाकी और भी साथियों की आवश्यकता है इस पे। जब तक पूरे आंकड़े पूरे नहीं होंगे हम लोग दावा पेश करने नहीं जा रहे। इस सरकार बनाने को लेकर बहुत सारी जो लोगों के या आप सभी पत्रकार साथियों के मन में सवाल खड़ा होता है उन सबको जवाब देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद। यानी कि बड़ी चुनौती हेमंत सोरेन के सामने कि कांग्रेस जिस तरह से फूंक फूंक कर कदम रख रही है, ये सरकार कैसे चलेगी और कैसे चलाना है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन के ऊपर है। प्रशासन के लचर रवैये ने उत्तराखंड के लोगों का गुस्सा एक बार फिर भड़का दिया है। राहत कार्यों का जायजा लेने उत्तरकाशी गए डीएम को लोगों ने बंधक बना लिया। देहरादून में हो रही लगातार बारिश और नदियों के उफनते पानी से बचाव के लिए तटबंध न बनाए जाने से नाराज उत्तरकाशी के लोगों ने डीएम का घेराव कर उन्हें बंधक बना लिया। नाराज लोगों ने रात भर डीएम को जाने नहीं दिया और डीएम के सामने अपना गुस्सा निकालते रहे। गंगा किनारे काम कर रहे ये वही लोग हैं जिनके घर और दुकानें गंगा के रौद्र रूप की भेंट चढ़ गए। सरकार की लेट लतीफी की वजह से स्थानीय लोग सरकार और प्रशासन से बेहद नाराज हैं, लेकिन डीएम साहब नाराजगी और बंधक बनाए जाने के किसी भी बात से इनकार कर रहे हैं। बंधक की खबर सभी फॉल्स हैं। यहाँ पे सिचुएशन आप देख रहे हैं, हम खुद लेबर मंगाए हैं, अभी काम चला रहे हैं, रात तक काम चलेगा, सुबह भी काम चलेगा। इसके पहले भी आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे सीएम बहुना को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते सरकार की भारी फजीहत हुई थी। राजस्थान में अजमेर के एक सरकारी स्कूल में बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। बच्चों के मिड डे मील में परोसे जा रहे थे कीड़े। राजस्थान सरकार बच्चों की अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भले ही कितने दावे करे, लेकिन आटे में रेंगते कीड़ों की ये तस्वीरें सरकार की योजनाओं की हकीकत उजागर करने के लिए काफी है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब अजमेर की नांदी फाउंडेशन में काम करने वाली लेबर ने पैसा नहीं मिलने पर फाउंडेशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेबर के समर्थन में आए कुछ स्थानीय नेताओं ने जब रसोई के भीतर का हाल देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बच्चों को मिलने वाले खाने में कीड़े तैर रहे थे। बच्चों की सेहत से खिलवाड़ के मामले को सरकारी अफसरों के अलावा नांदी फाउंडेशन के अधिकारी भी दबाते नजर आ रहे हैं। सर अभी सफाई भी हुई है ना सर, तो सांप बोलो सांप जेल लग जानवर बड़ा बोलो। सर छोटा बच्चा था सर, दो निकले थे उसके लिए जेल को बुलाया सर, छोटे मोटे बड़े भी जेल थे सर, ना लोगों को बुलाया सर ने पकड़ने के लिए, कल भी आपने बोलेगा सांप। राजस्थान सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कई सरकारी योजनाओं को हरी झंडी दिखाई है, लेकिन सरकारी अधिकारी इन योजनाओं की फज्जियां उड़ा रहे हैं। सिल्वर स्क्रीन पर आज रिलीज हुई बड़े बजट की दो फिल्में, रणवीर सोनाक्षी स्टार लुटेरा और संजय दत्त की पुलिसगिरी सिल्वर स्क्रीन पर आज एक दूसरे के आमने सामने। लुटेरा जहां एक्सपेरिमेंट फिल्म है, वही पुलिसगिरी टिपिकल बॉलीवुड। ऐसे में देखना ये है कि दर्शक किस मूड की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट कराते हैं। अमरनाथ यात्रा के शुरुआती 7 दिनों में ही बाबा बर्फानी का आकार 70% घट गया है।
तेजी से घट रहे शिवलिंग को देखते हुए बाबा बर्फानी के दर्शनों को जाने वाले भक्तों की चिंता बढ़ गई है। बाबा बर्फानी के शिवलिंग का आकार 70% घटकर अब महज 6% बचा है। गुफा पहुंच रहे भक्तों के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड भी शिवलिंग का आकार घटने से चिंता में है। कोई इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई पवित्र धाम में प्रदूषण को। हालांकि इसका एक कारण बाबा बर्फानी के दरबार में 7 दिन में पहुंचे 80,000 भक्तों की भीड़ को भी माना जा रहा है। गौरतलब है कि ये पहला मामला नहीं है जब बाबा बर्फानी का आकार तेजी से घट रहा है। इससे पहले भी शिवलिंग यात्रा पूरी होने से पहले पूरी तरह पिघल चुका है, लिहाजा शिवलिंग को बचाने के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इंतजाम किए हैं। अब यात्रा पर जाने वाले हेलीकॉप्टर को गुफा से 5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। गुफा के अंदर अगरबत्ती पर पाबंदी लगाई गई है, साथ ही कैमरा भी ले जाना मना है। लेकिन इसके बावजूद यात्रा शुरू होने के महज 7 दिन में ही 70% तक शिवलिंग का आकार घटना चिंता का विषय है। यात्रा में अभी काफी दिन बचे हैं और अंदेशा जताया जा रहा है कि देर से अमरनाथ गुफा पहुंचने वाले भक्तों को पवित्र शिवलिंग के दर्शन नहीं हो पाएंगे। क्या उत्तराखंड में बारिश फिर आफत बनेगी? उत्तराखंड के कई हिस्सों में एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो गई है और आने वाले 48 घंटों में यह बारिश लगातार जारी रह सकती है। अब तक की सबसे भीषण आपदा के शिकार उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग पहले ही 5 जुलाई से राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर चुका है। आशंका जताई गई है कि 5 और 6 जुलाई को 7 से 13 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से आपदा पीड़ित इलाकों में चल रहे राहत काम में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 16 जून को जब पहाड़ पर प्रलय आया था तब 30 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। स्थानीय लोगों को डर है कि अगर तेज बारिश लगातार 3 दिनों तक होती रही तो उन रास्तों पर भी आवाजाही ठप हो जाएगी जिनके जरिए ऋषिकेश होते हुए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पिछली आपदा को देखते हुए प्रशासन चुस्त दुरुस्त होने का दावा तो कर रहा है, लेकिन मुश्किल ये है कि तेज बारिश अगर लगातार होती रही तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा मुश्किल स्थानीय लोगों को उठानी पड़ सकती है।